नमस्कार, ओम शांति। बातें हमारी काम की में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, कई बार हम अपने आदर्शों से मिले हैं, उनसे ये जानने की कोशिश की है कि आपने ये जीवन क्यों चुना, कैसे चुना और किस लिए चुना, क्योंकि कई रास्ते ऐसे होते हैं जो अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जीवन चुनना और उस पर चलना और उस पर एक आदर्श की तरह खड़े रहना, ये हमारे जीवन में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने की मदद करती है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे किरण दीदी का, जो 1998 से समर्पित रूप से अम्बाला क्षेत्र के कई सेवा केंद्रों पे उन्होंने सेवाएं दी हैं। अभी 11 साल से वह रायपुर रानी में सेवाएं दे रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत मैं उनकी बता दूं, वो एक संगीतकार भी हैं। उन्होंने कई हमारे शांतिवन ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में अपनी मीठी सुरीली आवाज़ से कई गीत भी गाए हैं, जो आपने सुने भी होंगे, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो आज हमें क्या शिक्षा देने वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं किरण दीदी का। दीदी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति, धन्यवाद। सबसे पहले आपकी एक खासियत हमने जानी कि आप संगीतकार भी हैं, तो आपका रूप तो हमें देखने में नज़र आता ही है, लेकिन संगीत आपने इस रूप के साथ साथ, आपको संगीत की प्रेरणाएँ कैसे, मतलब बचपन से ही है या फिर ऐसे आपने चलते फिरते, जैसे लोग कहते हमने यूट्यूब से सीखा, हमने कहीं से सीखा, तो आपने कैसे ग्रहण किया? मुझे बचपन से ही गीत गाने का बहुत शौक था, और जो भी मैं सुनती थी उसको एज इट इज़ सुनकर कॉपी करती थी और फिर गाती थी। अच्छा। और बचपन में फिर रिकॉर्ड करके भी सुनती थी, तो गीत संगीत मेरी हॉबी बन गई। अच्छा। और उसके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो वो भी उसमें भी एक सब्जेक्ट म्यूज़िक मैंने रखा, तो म्यूज़िक मेरी हॉबी है और मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, और ये गॉड गिफ्ट है, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, बल्कि भगवान ने खुद मेरे अंदर ये क्वालिटी भरी, और आज परमात्मा के काम में ये क्वालिटी आ रही है, इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है जी। और आपने ये कई गीत ऐसे ब्रह्मा कुमारी संस्था में, हमारे संस्था में हेडक्वार्टर में भी आपने गाए हैं, आप भी चलते हैं, तो उनमें से आपका मन पसंदीदा गीत कौन सा है? वैसे तो दो एल्बम बन चुके हैं, एक तो जब से तेरा प्यार मिला और दूसरा है जीवन बनाने वाले। तो वैसे तो एक जो हेडक्वार्टर में बजता है रेगुलर तौर पे, तो मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, वो मैंने जब किसी बहन का समर्पण था तब मैंने वो तैयार किया था गीत, और हेडक्वार्टर में वो रिकॉर्ड भी हुआ था कवाली के रूप में। लेकिन जब एल्बम बनाने की बारी आई तो इस गीत को डालने की कोशिश की, लेकिन तब ये था कि पता नहीं ये हिट होगा या नहीं होगा, लोग सुनना चाहेंगे या नहीं सुनना चाहेंगे, लेकिन जब ये गीत बजा फर्स्ट डे, जब हेडक्वार्टर में इनॉग्रल प्रोग्राम था इसका, सीडीज़ का, तो उस दिन इतना पसंद किया, जब दादी थे वहाँ पे, और उसके बाद हर दिन ये गीत बजने लगा, तो भगवान ने इसकी प्रेरणा मुझे दी उस एल्बम में डालने की, और वो इतना फेमस हुआ गीत, मुझे कोई जाने ना जाने, लेकिन ये गीत जब बजता है तो मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत गदगद होता है कि ये गीत हमने तैयार किया, और कैसे तैयार किया, और आज ये किस रूप में विश्व में प्रख्यात हो गया। एक बात मैं बता दूं कि आपको खुशी होती है या नहीं वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब मुझे पता लगा कि मैंने आपसे बात की तो आपने कहा कि ये गीत मैंने ही गाया है, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना, लेकिन उस दिन मैंने ये ठान लिया था कि मुझे आपसे मिलना है। लेकिन जब हम आपसे मिले और आपकी प्यार पालना जो हमें मिली, और आप एक निरहंकारी भाव से जब हमसे मिले और जो हमें पालना दी, शायद ही मुश्किल कोई ऐसे देता है। तो अब आपके जीवन की बात मैं यहाँ पे करती हूँ। कई ऐसे लोग हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था पे क्यों जाना, जैसे हमें ही कहते हैं आपने ये जीवन क्यों चुना, तो ये बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने जीवन में इतनी सारी पीछे की जो बातें थी उनको छोड़कर ये ब्रह्मा कुमारी संस्था क्यों ज्वाइन की, क्या खासियत आपको इसमें नज़र आई? बचपन से ही अंदर में एक मतलब कशिश होती थी कि कुछ अलग करना है, दुनिया में नहीं जाना है, जैसे लोग जी रहे हैं मुझे वैसा जीवन नहीं चाहिए, मतलब बचपन से ही था।
लेकिन कोई लक्ष्य नहीं था कि कैसे होगा, क्या करेंगे, तो कुछ अलग करना है, ये अंदर में हमेशा रहता था। तो जब संस्था का परिचय मिला, मम्मी पापा सेंटर पे जाने लगे और वो आके हमें बताते थे कि वहाँ ये सुनाते हैं, वहाँ ऐसे सुनाते हैं, तब भी हमें ये नहीं था, क्योंकि कभी किसी ब्रह्मा कुमारी को हमने देखा ही नहीं था उसके पहले जी। कि ऐसी कोई संस्था भी है, हमें नहीं पता था। जब वो सुनाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी हम नहीं जाते थे। और अंदर में ये था कि ये ज्ञान ध्यान तो ये बुजुर्गों का काम है, ये हमारा काम नहीं है, हमें जाना भी नहीं है। तो एक दिन किसी फंक्शन में हमें सेंटर पे पापा लेके गए कि चलो देखो तो सही। तो हम गए तो सफेद ड्रेस में बहने इतनी अच्छी लगी और इतना आकर्षण हुआ, एक रूहानी आकर्षण। ज्ञान नहीं सुना था, लेकिन ये जीवन इतना आकर्षित करने लगा कि मुझे लगा मुझे ये जीवन जीना है, मुझे ऐसा जीवन बनाना है। कितना सुंदर और कितना सादगी वाला जीवन है, और इतनी चेहरे पे खुशी है, मुस्कान है, दुनिया में नहीं है, बहुत कुछ करने के बाद भी वो मुस्कान, वो खुशी, वो संतुष्टता दिखाई नहीं देती जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो संकल्प लिया कि जीवन बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा जीवन बनाना है। लेकिन पहले तो कुछ नहीं पता होता, बस वो एक आकर्षण था। फिर मैं पढ़ाई कर रही थी, पापा एयरफोर्स में थे, तो हम पापा की पोस्टिंग हो गई बैंगलोर, और मेरे पास म्यूजिक सब्जेक्ट था, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका था, 2 साल की पढ़ाई किसी और स्टेट में जाके, वो भी साउथ में, वो पॉसिबल नहीं था म्यूजिक के साथ, क्योंकि हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटक म्यूजिक में बहुत अंतर था। हाँ जी, तो बैंगलोर में रहे, तो वहाँ जाके जैसे हम सेंटर पे आते थे अम्बाला कैंट के अंदर, तो जब वहाँ गए तो मुझे वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा, भाषा में प्रॉब्लम दिखी, कहीं भी जाते थे तो वो फेस करना मुश्किल होता था। तो यहाँ सेंटर पे बड़े दीदी को मैंने कहा कि मुझे तो वहीं आना है और मुझे वहीं रह के पढ़ना है। तो मैंने मतलब 2 साल की पढ़ाई मैंने सेंटर पे रह के की, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। वैसे सेंटर पे रह के पढ़ने का चांस किसी को मिलता नहीं है, लेकिन मुझे वो चांस मिला। तो 2 साल सेंटर पे रह के जो मैंने पढ़ाई की, तो सेंटर का रहन सहन, सेंटर का सारा कार्य, सारी विधियों को समझा, और फिर मैंने अपना जीवन ऐसा बनाने की सोच ली, ठान लिया मैंने। और फिर जब मैंने ट्रेनिंग की माउंट आबू में, टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग करने के बाद मैंने संकल्प ले लिया कि बस यही जीवन जीना है, इसके अलावा और कोई जीवन सोचना भी नहीं है। तो आपके जैसे पेरेंट्स चलते थे ज्ञान में, तो आपने भी ये ठान लिया, तो आपके रिलेशन में कोई ऐसे रिलेशन में तो बहुत प्रॉब्लम आई। मेरे ग्रैंडफादर थे और घर में सबसे बड़ी बच्ची मैं ही थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, लेकिन फादर का सपोर्ट था, मदर का सपोर्ट था, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वो फ्रंट में होते थे कि हम साथ हैं, आप जो चाहो वो कर सकते हो। और परवरिश भी हमें ऐसी मिली कि कभी ये नहीं फील कराया कि आप लड़की हो तो आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, जो आप चाहो, जैसा आप चाहो, जीवन आपका है, आप अपने ढंग से जियो। तो ये बहुत खुशी होती है, और आज माँ बाप के ऊपर भी बहुत नाज होता है कि ऐसे समय पर उन्होंने सपोर्ट किया, और आज ये जीवन मुझे जो मिला है, ये उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। भगवान का तो है, लेकिन साथ साथ उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैं उनका भी बहुत थैंक्स करती हूँ, दिल से थैंक्स करती हूँ। इस जीवन को बनाने में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेन चीज आपको क्या नजर आई इस ब्रह्मा कुमारी में? मेन चीज ये है कि जो यहाँ का ज्ञान है, और पहले भी इस जीवन में मैंने भक्ति नहीं की, क्योंकि मुझे वो चीजें पसंद नहीं आती थी, कोई भक्ति भी कर रहा है और गलत भी कर रहा है, भगवान के आगे कुछ और है और उसके बाहर कुछ और है, तो मुझे वो जीवन पसंद नहीं आता था। मैं देखती थी कि ये दो तरफ कैसे कर सकते हैं, भगवान के आगे जाके कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ कुछ करते हैं। और कई बार मंदिर में भी देखते थे कि सत्संग चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, और लोग नेगेटिविटी, आपस में बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता था मुझे। तो मैं जाना ही नहीं चाहती थी मंदिर वगैरह, मतलब कई बार कंपेल किया भी जाता था कि आप चलो, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि शायद वो भक्ति का पार्ट पहले पूरा हो चुका था। तो वो ज्ञान जब मिला तो एकदम से आकर्षण हुआ ज्ञान का, और ज्ञान की जो क्लैरिटी है
वो इतनी अच्छी है और इतनी क्लियर ज्ञान है कि कुछ भी सवाल रह ही नहीं जाता। जब हम इस ज्ञान को समझ लेते हैं तो जीवन से संबंधित, इस संसार से संबंधित सारे सवालों का हल मिल जाता है, कोई दुविधा नहीं रहती। और ज्ञान तो अपने आप में एक रोशनी है, और वो रोशनी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब तक ये रोशनी नहीं है तब तक अंधकार है। और अपने लिए तो सभी जीते हैं, हमेशा से ये था कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करना है जो समाज के लिए जिए, समाज का उत्थान कर सके, उद्धार कर सके, क्योंकि बहुत सारी कुरीतियां हैं इस संसार में। जब रायपुरानी में आना हुआ तो भी यहाँ का माहौल कुछ और था, रहन सहन कुछ और था, यहाँ के लोगों को उठना बैठना, जीना खाना पीना सब कुछ बहुत अलग था। तो एक मेरे लिए चैलेंज था यहाँ पे आके, क्योंकि ऐसे माहौल में मैं कभी रही नहीं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया, और जब बहुत सारी परिस्थितियां भी आई, बहुत लोग विरोध भी करने लगे, लेकिन एक बल एक भरोसा, परमात्मा को साथी बना लिया, और परमात्मा ने मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है तो कभी अपना पांव पीछे नहीं हटाया। बस ये था कि उसने मुझे भेजा है ना, और इस क्षेत्र का उद्धार करने के लिए भेजा है, तो मैं उसकी आज्ञा को कैसे टाल सकती हूँ। तो इसीलिए इस बल से मैं यहाँ टिकी रही, विरोध भी बहुत हुआ, लेकिन आज इतने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं बाबा से, और वो जब अपना जीवन सुंदर बना रहे हैं, श्रेष्ठ बना रहे हैं, पॉजिटिविटी अपने जीवन में ला रहे हैं, बुराइयों से दूर हो रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है और आत्मसंतुष्टि होती है कि भगवान के काम आ रहे हैं, ये जीवन भगवान के काम आ रहा है। लेकिन आपने जिस तरह से मुझे कहा कि एक नेगेटिविटी आपको अच्छी नहीं लगी, यहाँ पे प्रश्न मेरा ये है कि जरूरी है कि भक्ति मार्ग में ही नेगेटिविटी आए? आजकल के लोगों के अंदर बिना मतलब के भी कोई भी चीज ले लें, हाँ जी, कहते हैं कि मेरे दिमाग से नेगेटिव जाता ही नहीं, मैं पॉजिटिव कैसे सोचूं, या पॉजिटिव कैसे देखूं, या पॉजिटिव कैसे बोलूं, या पॉजिटिव कैसे सुनूं, तो हम अपने जीवन में पॉजिटिव कैसे लें? कहीं हम शांति से बैठना भी चाहें, एक सेकंड में भी दिमाग पॉजिटिव के लिए नहीं जाता, नेगेटिव के लिए चला, अरे ऐसा हो गया तो फिर कैसा होगा, तो ये नेगेटिव को मैं कैसे परिवर्तन करूं, मतलब पॉजिटिव कैसे अपने जीवन में लेके आऊं? पॉजिटिविटी लाने के लिए जैसे मेरा ये मानना है कि जो आपके अंदर जाएगा वो आपका जीवन बनाएगा। और आज सारी दुनिया में नेगेटिविटी का इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर बना हुआ है कि हर कोई हमसे नेगेटिव ही बात करता है, चारों तरफ नेगेटिविटी है। और इसीलिए आध्यात्मिकता हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये ज्ञान जो है वो रोशनी का काम करता है, ये मन को भी तो रोशन करता है, हमें क्या सोचना है ये भी ये ज्ञान बताता है। क्योंकि चारों तरफ जहां नेगेटिविटी का माहौल बना हो, वहां पे सरवाइव करना, पॉजिटिविटी लाना एक बहुत बड़ी बात है जो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मटेरियल तो चाहिए ना, अच्छा सोचने के लिए भी तो मटेरियल चाहिए, तो वो मटेरियल दुनिया में नहीं है, वो मटेरियल सिर्फ ब्रह्मा कुमारीज में है, भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। और हर रोज की जो मुरली है वो संपूर्ण पॉजिटिविटी का जरिया है। अगर हम इस माहौल में आते हैं और वो पॉजिटिविटी ग्रहण करते हैं हर रोज थोड़ा थोड़ा, अगर हमारे माइंड में आता है तो अपने आप नेगेटिविटी से दूर होने की क्षमता भी आ जाती है। क्योंकि बिना कुछ सुने हम पॉजिटिव बन ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव भी तो हम सुन के ही बने हैं ना, तो पॉजिटिव भी हम तभी बनेंगे हम जब कुछ अच्छा सुनेंगे, और अच्छा सुनेंगे, अच्छे माहौल में हर रोज आएंगे, तो वो हमारे जीवन को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। और ऐसे बहुत लोग यहाँ आते हैं जो डिप्रेस्ड हैं, जिनकी मानसिक क्षमता बहुत वीक हो चुकी है, और जिनके सोचना ही नेगेटिव है टोटल, उनको कितना भी हम समझाते हैं कि आप पॉजिटिव सोचो, पर वो मटेरियल कहाँ से लाएं, इसलिए उनको सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आपको रोज यहाँ आना है, और वो धीरे 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 उनके माइंड से वो नेगेटिविटी, पॉजिटिव सुनते सुनते नेगेटिविटी दूर होती जाती है। पॉजिटिव जो माना हमने एक घंटे, जैसे हम मेरे कई क्लिक ऐसे हैं, कई फ्रेंड्स हैं, कई रिलेटिव ऐसे हैं, मुझसे भी क्वेश्चन करते हैं, उनको फिलहाल के लिए आंसर तो मैं देती हूँ, लेकिन जैसे हमने माना एक घंटे के लिए मुरली सुनी, लेकिन सारा दिन तो हम बाहर रहते हैं,
तो बाहर रहने के बाद नेगेटिव तो सारा दिन बाहर ही है, पॉजिटिव हमारी एक घंटे के, उसको कैसे बैलेंस करके जाए? वो अपने आप बैलेंस हो जाता है जब हम सुनते हैं तो उसका चिंतन भी चलता है। अच्छा। जो भी हम सुनते हैं वो, क्योंकि सुना हुआ, अब नेगेटिव सुना वो सारा दिन नहीं सुनते हैं, वो कुछ एक मोमेंट होता है जिसमें उनको सुनने को मिलता है, लेकिन वो सारा दिन उस पर चिंतन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं तो वो नेगेटिव बन जाते हैं। तो पॉजिटिव अगर एक घंटा मिलता है और कुछ ना कुछ तो चिंतन चलता है जब हम सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं तो। कई बार ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें खुद को कंट्रोल करना होता है, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर ज्ञान है, समझ है, या हमने सुना है, रोज सुना है, तो वो हमें रोक देता है कि ये नहीं करना है, वो हमें कंट्रोल करने की ताकत देता है। तो उससे धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं आता परिवर्तन, लेकिन धीरे धीरे हमारा मन परिवर्तन हो जाता है, हमारी वाणी परिवर्तन हो जाती है। और जब परमात्मा की बातों का असर हमारे जीवन में दिखता है तो बाहरी बातों का असर नहीं होता, वो एक सुरक्षा कवच बन जाता है हमारे लिए, जो हमें इतना सुरक्षित रखता है कि और किसी भी नेगेटिविटी का असर हमें होने ही नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे अभी एक आप एग्जांपल, कहीं बाहर ज्ञान सुनाने जाते हैं या कोई प्रदर्शनी लगी हुई है या कोई भी ऐसी चीजें, तो मेन आपका क्या फोकस रहता है कि मुझे किस चीज पे ज्यादा समझाना है? जैसे यूथ है ज्यादा, एग्जाम्पल यूथ की सभा है, तो यूथ को कैसे समझाते हैं? महिलाओं की सभा है तो महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना, मतलब किस तरह से, क्या एक पॉइंट लेके चलते हैं आप? जैसे अब यूथ के लिए सबसे बड़ी आज जो प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन में आज यूथ जा रहा है। जी बिल्कुल। तो क्यों है? क्योंकि इच्छाएं बहुत है और इनर जो क्वालिटी है या कैपेबिलिटी है वो नहीं है, तो वो द्वंद में जीते हैं, चाहते कुछ और है, हो कुछ और रहा है, और वो हो ही नहीं पा रहा जो वो करना चाह रहे हैं, और ना ही अपनी क्षमता को पहचान पा रहे हैं। तो यहाँ जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी इनर पावर, हमारी स्ट्रेंथ हमें पता लगती है कि हाँ मेरे पास क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और फिर हम उस स्ट्रेंथ को यूज कर पाते हैं। तो यही है कि यूथ को हम आध्यात्मिकता की तरफ डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि यही एक चीज है। और वैसे भी आज मेडिटेशन से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि सब कुछ लोगों ने देख लिया, सब दुनिया की सारी चीजें यूज करके देख ली, लेकिन दिन प्रतिदिन तकलीफ दुख बढ़ता ही जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं सब कुछ करने के बावजूद भी, सुख की सारी सुविधाएं इकट्ठे करने के बावजूद भी डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो उनको हम यही कहते हैं कि एक बार आप आध्यात्मिकता को समझ लीजिए, और जब आप मेडिटेशन करेंगे, आप उसको अनुभव करेंगे, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे, और उस स्ट्रेंथ के आधार पर आप कार्य करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आज सक्सेस नहीं मिलती इसलिए डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो वो सक्सेस मिलती है। और ऐसे बहुत यूथ ने भी परिवर्तन किया, बहुत महिलाएं जो अपने कार्य व्यवहार को ही अपनी जिंदगी माने बैठी थी कि बस मेरा तो जीवन यही है, घर गृहस्थी जीवन है, लेकिन आज बहुत है जो अपने आगे के जीवन को सफल बना रहे हैं, श्रेष्ठ बना रहे हैं, और सबको साथ लेके घर गृहस्थ में रहते हुए, संभालते हुए भी, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी समय भी दे पा रहे हैं और सहयोग भी दे पा रहे हैं, तो अपनी उस क्षमता को बढ़ा रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि इन सब के जीवन में जो परिवर्तन दिखाई देता है वो अपने आप में बहुत अनूठा है, और ये परमात्म शक्ति के आधार से ही संभव है, और कोई ये परिवर्तन कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक आपका ये जीवन है, हमारा जीवन है, आप सेवाओं के साथ, जैसे बाबा मुरली में कहते हैं कि अपने पुरुषार्थ को बढ़ाओ, अपने ज्ञान योग को बढ़ाओ, तो आपके जैसे सेंटर में बहुत सारी सेवाएं होती हैं, सारा दिन सेवा सेवा सेवा, आप सेवा के साथ अपने पुरुषार्थ को बैलेंस बना के कैसे चलते? क्योंकि सेवा तो है ही, और सेवा स्थान पे बैठे हैं तो सेवाओं को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, है ना, और कहीं हो तो इग्नोर किया जा सकता है स्वोन्नति के लिए, लेकिन सेवा स्थान पे बैठे हैं तो सेवा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो सेवाओं के साथ स्व उन्नति, जैसे बाबा कहते हैं कि सेवा और योग का बैलेंस, तो वो बैलेंस बना के चलते हैं तो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि दोनों का बैलेंस चल रहा है। और जब सिर्फ सेवाएं होती है तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है कुछ भी करके,
लेकिन साथ साथ जब स्व उन्नति के लिए योग भी होता है और बाबा की सारी बातों को साथ लेकर चलते हैं, जब उन मर्यादाओं को पालन करते हुए चलते हैं, तो सेटिस्फेक्शन होती है। और सबसे बड़ी बात है कि सहयोग भी मिलता है, यहाँ भाई बहनों का सबका सहयोग मिलता है। इतना बड़ा सेंटर मैनेज करने में सभी सहयोग देते हैं और ये सहयोग दिलाने वाला तो परमात्मा है। अंत में आप यूथ को या आपको जो लगता है क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले राजयोग मेडिटेशन, जैसे आपने कहा स्ट्रेस के लोग आजकल बहुत ज्यादा है, उनको राजयोग मेडिटेशन कैसे करना है, क्या आप 2 या 3 मिनट हमें करके बता सकते हैं? तो राजयोग मेडिटेशन यानी परमात्मा से रिलेशन, परमात्मा से कनेक्शन। जिस तरह से हम किसी व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं, उसके अच्छाई और बुराई से भी कनेक्ट हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति से, किसी स्थान से जब हम कनेक्ट होते हैं, तो वहां की क्वालिटी से भी, वहां की डिसक्वालिटी से भी हम कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा वो सोर्स है जहाँ संपूर्ण क्वालिटी ही क्वालिटी है, जहाँ संपूर्णता है, जहाँ अपूर्णता है ही नहीं। तो परमात्मा से कनेक्शन यानी अपने आप को संपूर्ण बनाना, क्योंकि ये कनेक्शन है, ये रिलेशन है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, माना हम दुनिया से डिसकनेक्ट हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन या रिलेशन और रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। नहीं तो हम रिलेशन में आज ढो रहे हैं बोझ की तरह, क्योंकि खुशी नहीं मिल रही है लेकिन फिर भी निभाना पड़ रहा है। लेकिन जब हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, परमात्मा से रिलेशन जोड़ लेते हैं, जो कि हमारा है, जोड़ने की भी जरूरत क्या है, हमारा रिलेशन है ऑलरेडी, सिर्फ हम भूल चुके हैं। तो उस रिलेशन को याद रखना और उस रिलेशन से कर्तव्य करना अगर हम शुरू कर देते हैं, तो हमारे यहाँ के रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वो मेडिटेशन का टेक्निक क्या है, स्वयं को आत्मा समझना, जो मैं हूं। हमने अपने आप को शरीर समझ लिया है, शरीर मान लिया है, लेकिन ये तो हमारा ड्रेस है, ये तो हमारी एक तरह से कार है जिसका मैं आत्मा ड्राइवर हूं। और मैं आत्मा जब परमात्मा से कनेक्ट होती हूँ, तो मुझे आत्मा में वो पावर आ जाती है। और आत्मा के जो 7 गुण है, जिसको हम सात्विक गुण कहते हैं, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद और शक्ति, इन 7 गुणों से आत्मा संपन्न बन जाती है। और जो खुशी हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, और वो नहीं मिल पा रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास कि हम कैसे लाएं, कहां से लाएं, इसलिए डिप्रेस्ड होते हैं, इसलिए टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, सब कुछ तो करके देख लिया। तो यही एक अंतिम जरिया है और एकमात्र सोर्स है कि हम अपने आप को पॉजिटिव कर सके, हम अपने आप को टेंशन फ्री रख सके। और जैसे कि ब्रह्मा कुमारी इसके चेहरे को देख के सभी ये महसूस करते हैं कि इनके पास कोई विशेष पावर है जो ये इतना खुश रहते हैं। तो ये खुशी कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये हमारी ओरिजिनल खुशी है, क्योंकि हमारा रिलेशन परमात्मा के साथ है। और जब परमात्मा के साथ हम रिलेट हो जाते हैं, तो हमारे हम अपने आप को संपूर्ण महसूस करते हैं। इसके लिए अपने को अपने आप को समझना पड़ेगा। हाँ जी, उसके बाद परमात्मा को, तभी हम परमात्मा के कनेक्शन जोड़ पाएंगे, बना पाएंगे। बहुत अच्छा रेडी। तो अंत में एक यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ के लिए यही मैसेज है, क्योंकि यूथ को सारे घर में भी सभी यूथ की तरफ ही देख रहे हैं, समाज में भी सबकी नजर यूथ पर है, कि जो क्षमता यूथ में है, चाहे वो शारीरिक क्षमता है, जो क्षमता यूथ में है वो उसका यूटिलाइज करें, उसको सही कार्य में लगाए। अपने लिए सभी जी रहे हैं, अपनी खुशी के लिए और अपने एंटरटेनमेंट के लिए जीना छोड़कर समाज के लिए कुछ करने के लिए अपने आप को कैपेबल बनाए, आध्यात्मिकता से स्वयं को संपन्न बनाए। आध्यात्मिक शक्ति हमारी सारी शक्तियों को जागृत कर देता है, इसलिए आध्यात्मिकता की तरफ आए, समझें ये कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारी आत्मा की एनर्जी को हमारे सामने रख देता है, हमें बताता है कि आप क्या हो। तो वो समझकर अगर हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे, तो हम बहुत कुछ अपने लिए भी और इस समाज के लिए भी कर पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि सबकी नजर यूथ पर है और यूथ को सभी
उस दृष्टि से देख रहे हैं तो जिम्मेवारी बनती है यूथ की कि अपने आप को उस लेवल पे खुद को तैयार करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा दीदी, आज आपने बहुत अच्छी चीज़ें हमें समझाई बताई और मुझे उम्मीद है कि आप सभी दर्शकों ने ये बातों को समझा होगा और अपने जीवन में ग्रहण भी करेंगे और अपने जीवन में लेकर भी आएंगे, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप इस कार्यक्रम में आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा रहा जी। मित्रों, आज हमने जानने की कोशिश की बातें हमारे काम की में कि हम किस तरह से अपने जीवन को सफल बनाएं। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी दीदी कि एक बल एक भरोसा, मेरा परमात्मा ही है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं। उसके ऊपर अगर पूरा विश्वास है, पूरा निश्चय है, तो आपके जीवन में सफलता अवश्य है। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी परेशानियां आए, आपको कोई भी परिस्थिति, कोई भी परेशानी पीछे नहीं कर सकती, जीवन में सफलता जरूर आएगी। अगली कड़ी में फिर से हम एक नई दीदी के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।